थैंक यू सो मच फरहाना, थैंक यू सो मच फॉर द एक्सरसाइजेस। आज हमने पहली बार रेजिस्टेंट बैंड के साथ एक्सरसाइजेस की। देखने में ज़रूर आसान लग रही है लेकिन करते हुए बड़ा खिंचाव पड़ता है जी, एकदम से बड़ा स्ट्रेस फील होता है मसल के अंदर और यही स्ट्रेस प्रोड्यूस करना होता है, यही स्ट्रेस चाहिए होता है। तो ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है आपका स्टैमिना बिल्ड करने के लिए। जैसा कि फरहाना ने आपको फ्राइडे के दिन बताया था कि स्टैमिना बहुत बिल्ड होता है जब हम ये रेजिस्टेंट बैंड से एक्सरसाइज करते हैं और मसल में टोनिंग बहुत क्विकली इसमें टोनिंग आती है एज कम्पेयर टू जब आप अगेंस्ट रेजिस्टेंस करते हैं तो आपकी टोनिंग ज़्यादा अच्छी होती है। और इसी टिप के साथ वक्त हो गया हेल्दी मॉर्निंग टिप का, तो जी चलते हैं हेल्दी मॉर्निंग टिप की तरफ। जी व्यूअर्स, हेल्दी मॉर्निंग टिप का वक्त आपको पता है हो चुका है और आज की हेल्दी मॉर्निंग टिप हमने सोचा कि क्यों ना हर रोज़ की तरह आपको, जिस तरह हम डिफरेंट चीज़ों की टिप आपको देते हैं, तो आज हमने सोचा इस वीक जो है, क्योंकि हम लोग फ्राइडे के दिन बात कर रहे थे वेट लॉस पे और वेट लॉस में सारी गड़बड़ जो मुझे नज़र आती है ना, मेन गड़बड़ वो खाने की रूटीन की गड़बड़ नज़र आती है और जो हम खाते हैं उसकी गड़बड़ नज़र आती है। तो मैंने कहा कि आज की टिप से हम इस तरह शुरू करते हैं कि आज हम आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट के बारे में टिप देंगे, कल हम आपको हेल्दी लंच के बारे में टिप देंगे, फिर हम आपको हेल्दी डिनर और फिर हेल्दी स्नैक्स, क्योंकि लोग बीच में स्नैक्स भी लेते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको टिप दी जाएगी। आज की जो हेल्दी ब्रेकफास्ट की टिप है, ये देखें, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, प्रिफरेबली मॉर्निंग में होता है, लेकिन बहुत सारी खवातीन जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं करती, एक तो मैं उसकी फेवर में नहीं हूँ, दूसरा आपको उठने के फौरन बाद, मतलब आधे घंटे से एक घंटे के अंदर आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि जिस तरह हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं कि ब्रेकफास्ट जो है वो बादशाह की तरह करना चाहिए, तो ब्रेकफास्ट वाकई में बादशाह की तरह करना चाहिए। अब करना कैसे चाहिए, उसमें होना क्या क्या चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपका जो ब्रेकफास्ट है वो आपको रीफ्यूल करता है, एनर्जी आपके अंदर जो आपने सारा वक्त सो रहे होते हैं, बड़े डल पड़े हुए होते हैं, वो आपके अंदर ये एनर्जी दोबारा लाता है, ब्रेकफास्ट नंबर वन। दूसरा, अब ब्रेकफास्ट की सर्विंग प्लेट में होना क्या चाहिए, ब्रेकफास्ट की जो आपको पता है प्लेट है उसमें क्या होता होना चाहिए, उसमें होना ही चाहिए कि एक होल ग्रेन कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर होने चाहिए। होल ग्रेन कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, होल ग्रेन कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका ब्राउन ब्रेड भी हो सकता है, वो आपका इस तरह के सीरियल्स जो होते हैं ये चीज़ भी हो सकती है, एक सर्विंग उस चीज़ की होनी चाहिए। दूसरी सर्विंग जो होनी चाहिए वो कैल्शियम की होनी चाहिए। अब आपको पता है कैल्शियम की सर्विंग का सबसे बेस्ट तरीका जो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है। अगर आप इसको उसकी तरह ले लेंगे जिस तरह हम लोग इसमें कोई कॉर्नफ्लेक्स इस तरह की चीज़ मिला के खाते हैं, तो वो आप दूध में मिला के खाते हैं सीरियल्स को, तो ये अगेन ये सर्विंग आपकी कंप्लीट हो गई। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कोई ना कोई एक फ्रूट उसमें होना चाहिए। अब वो फ्रूट कौन सा होना चाहिए, वो सीजनल फ्रूट हो सकता है, उस वक्त जो फ्रूट इन है वो हो सकता है, ठीक है जी। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका कोई ना कोई प्रोटीन की सर्विंग। प्रोटीन की सर्विंग उसमें क्या होनी चाहिए, ये मीट भी हो सकता है, ये एग भी हो सकता है, ये आपका ब्रेकफास्ट के जो है ना ये मेन चीज़ें, चार चीज़ें होनी चाहिए, इससे आपका ब्रेकफास्ट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट ब्रेकफास्ट होगा। अब ये परफेक्ट ब्रेकफास्ट के लिए आपको करना क्या है, करना ये है कि आपको सबसे पहले अपना दिल बनाना है कि मुझे ब्रेकफास्ट करना ही करना है। उस ब्रेकफास्ट करने के बाद आप जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जाइज फील करेंगे। अब अच्छी चीज़ क्या है कि जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो उसी वक्त बढ़ जाता है, तो उस वक्त बजाय कि फैट स्टोर हो, फैट स्टोर नहीं होती उस वक्त हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म होता है और ये सब चीज़ फैट हमारी यूटिलाइज होना शुरू हो जाती है। तो जो लोग समझते हैं कि ब्रेकफास्ट करने के बाद उनका जो है वो मोटापे की तरफ जा रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि लोग वेट मेंटेनेंस के लिए ब्रेकफास्ट करते हैं, तो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। और एक और पॉइंट जो मैं आपको यहां बोलना चाहूंगी वो ये है कि आपकी बिंज ईटिंग जो एक हैबिट होती है कि हर चीज हर वक्त खाते रहना, जब हम ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो फिर हम अपने आप को स्टार्व फील करते हैं आफ्टर अ वाइल, फिर हम अपनी स्टार्विंग फुलफिल करने के लिए कुछ भी खा लेते हैं जो उस वक्त हमारे सामने पड़ा हो, और जो उस वक्त हमारे सामने पड़ा हमने खा लिया तो फिर आपको पता है कि इसमें किस किस तरह की कैलोरीज हम खा सकते हैं और वो किस किस तरह हमारे लिए डेंजरस हो सकती है। तो ब्रेकफास्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और ब्रेकफास्ट जो हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है उसके मैंने आपको बता दिया कि उसमें चार चीज़ें कौन सी होनी चाहिए। इसी टिप के साथ जी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आएंगे फॉल ऑफ द डे के साथ। टेस्टी